भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव भी सिर पर है, लेकिन अगर कहा जाए इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता। शायद ये बात आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन यही हकीकत है। हमने आपको अपने एक पुराने वीडियो में रूबरू करवाया था भारत में मौजूद एक ऐसे शहर ओरोविले से, जहां धर्म, जाति, राजनीति, रुपए पैसे के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक उसी तरह आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जिसका अपना ही कानून है। पुलिसिया कानून वहां नहीं चलता। जो वहां का कानून नहीं मानता उसे भयंकर सजा दी जाती है। वहां के लोग खुद को महान सिकंदर के वंशज बताते हैं। वहां दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहां के लोग भारत के कानून को नहीं मानते। इनके बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और पहाड़ी व बर्फीली वादियों के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। हम में से अधिकतर लोग कभी न कभी हिमालय की इन हसीन वादियों में जरूर गए होंगे, लेकिन फिर भी शायद यहाँ के गांव की सच्चाई बहुत कम लोगों को पता हो। जी हाँ, हम हिमाचल के एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं जिस गांव में घुसने से पहले प्रवेश गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम व कानूनों को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इस गांव के नियम व कानून उनके खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इस गाँव का नाम है मलाणा, जो हिमाचल राज्य की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन गांव है। ये गांव पार्वती घाटी में चंद्रखानी और देवटिब्बा नाम की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसे मलाना गांव में महज 4,700 लोग निवास करते हैं। मलाना गांव आधुनिक जीवन से अप्रभावित है और इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचना है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इस गांव पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। बहुत समय पहले मुगल शासक अकबर अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पर आया था। जब अकबर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने यहाँ पर रहने वाले लोगों को कर से मुक्त करवा दिया था। मलाणा भारत का इकलौता गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। इस विचित्र गांव में ऐसे कई रहस्य हैं जो इस गांव की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर जुर्माना देना होगा। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वो पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। हर साल हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं। इनके रुकने की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। यहां पर लागू कानून भी अपने आप में अजीब है। यहां सरकार और पुलिस का अधिकार नहीं चलता। गांव के लोगों की ही अपनी सरकार, अपनी संसद, अपना राजा है, अपना अलग कानून है। यहां गुनाहगार को सजा देने का भी अपना ही प्रावधान है। गांव में बाकायदा निम्न और उच्च सदन बनाए गए हैं। अगर कोई फैसला इन सदनों में नहीं हो पाता तो ये लो जमलू ऋषि का फैसला ही अंतिम मानते हैं। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। जिन दो पक्षों का मामला होता है उनसे दो बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वो दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि उनका मानना है कि ये फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। गांव में दो मंदिर है। इनमें से एक मंदिर जमलू देवता का है और दूसरा उनकी पत्नी रेणुका देवी का। मलाणा के ज्यादातर घर लकड़ी और ईंट के बने हुए हैं। कई घर तीन तीन मंजिला भी हैं, जिनकी निचली मंजिल पर मवेशी बांधते हैं और ऊपरी मंजिलों में लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। गांवों के बीचों बीच एक खुली जगह है, यहीं पर परिषद की बैठकें होती है। इसी खुली जगह के पास जमलू देवता का मंदिर है।
बर्फीले पहाड़ों से घिरा ये मंदिर बहुत आकर्षक लगता है। लकड़ी के खंभों वाला इस मंदिर के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी भी है। एक दीवार पर हड्डियां, खोपड़ियां और बलि चढ़ाए गए दूसरे जानवरों के अंग लटके हुए दिखाई देते हैं। मंदिर की एक दीवार पर चेतावनी भी लिखी है, अगर कोई बाहरी इस मंदिर को छूता है तो उसे 3,500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सैनिकों ने मलाना गांव बसाया। यहां तक कि यहां के लोगों का हाव भाव और नैन नक्श भी भारतीयों जैसे नहीं है। बोली से लेकर शारीरिक बनावट तक ये लोग भारतीयों से एकदम अलग नजर आते हैं। इस वजह से मलाना गांव को हिमालय का एथेंस भी कहा जाता है। कुछ ताजा शोध के बाद ये कहानी पुख्ता भी हो गई। यहाँ के लोगों की भाषा, उनका खान पान व शारीरिक लक्षण काफी हद तक ग्रीस के लोगों से मिलता जुलता पाया गया। ये एक ऐसी रहस्यमयी भाषा बोलते हैं जो रक्ष के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग इसे राक्षस बोली मानते हैं। इन लोगों की भाषा में कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होता है। मलाना की भाषा संस्कृत और कई तिब्बती बोलियों का एक मिश्रण लगती है, लेकिन ये रहस्यमयी भाषा किसी भी अन्य भाषा या बोली से मेल नहीं खाती। इससे मलानी लोगों का रहस्य और गहरा हो जाता है। हालांकि साल 2012 के बाद इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिले। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन 2016 के बाद से यहाँ चुनाव होने लगे। यहाँ के लोगों के सर्द बर्ताव में भी एक राज छुपा है जो खुलना बाकी है। मलाना गांव सदा से ही इतिहासकारों के लिए शोध का विषय रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आप भारत के कुछ ऐसे ही और गांवों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मलाना पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।